नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अक्टूबर में लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण के तहत 150 से अधिक कार्मिक शामिल। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है गोदावरी देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र में 12 विभागों के अधिकारियों सहित 162 कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 के महीने में लागत जागरूकता अभियान में शामिल किया गया। जिन विभागों में कार्यक्रम आयोजित किया गया उनमें पाइप प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप 1 और 2, कल्सनिंग प्लांट 2, LDBP, हॉट स्ट्रिप मिल 1, कोक ओवन, सिंटरिक प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, प्लेट मिल, स्पेशल प्लेट प्लांट और न्यू प्लेट शामिल हैं। लागत संवेदीकरण कार्यक्रम में दी गई जानकारी में आरएसपी द्वारा सामना किए जा रहे मौजूदा मुद्दों जैसे बिक्री लागत लाभप्रदता, आयातित कोयले की लागत में वृद्धि और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने आदि पर प्रकाश डाला गया। व्यक्तिगत विभागों के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में लागत में कमी की योजना, एबीपी लक्ष्य, पिछले 3 वर्षों के तकनीकी आर्थिक पैरामीटर और पिछले महीने में निष्पादन के संबंध में लागत तुलना और भिन्नता विश्लेषण के विशेष संदर्भ में विचार विमर्श के दौरान चर्चा की गई। बेहतर समग्र जानकारी के लिए प्रतिभागियों को उत्पाद लाभप्रदता विवरण भी समझाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आरएसपी के लाभ को बढ़ावा देने और प्रत्येक व्यक्ति को वांछित परिणाम प्राप्त करने में उसकी भूमिका का एहसास कराने में मदद करने के लिए अपरंपरागत स्रोतों में माध्यम से प्रक्रिया अनुकूलन, व्यय नियंत्रण और राजस्व सृजन करना है। इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से अधिक संख्या में कर्मचारियों को शामिल करना है। महाप्रबंधक श्री V.P. विजयन, उप महाप्रबंधक श्री R.R. सरंगी, उप महाप्रबंधक श्री K.K. वर्मा, सहायक महाप्रबंधक श्री N.C. दास, प्रबंधक श्री विश्वजीत पाल, प्रबंधक श्री हरीश अग्रवाल और वित्त वन विभाग के सहायक प्रबंधक श्री सुमित कौर द्वारा विभिन्न स्थानों पर सत्र संचालित किए गए। इनमें से प्रत्येक सत्र की अध्यक्षता विभागाध्यक्षों द्वारा की गई। समग्र कार्यक्रम उप महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री SC साहू द्वारा संचालन किया गया। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के HRD केंद्र में 11 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक कार्मिक वर्ग श्री धीरेन्द्र मिश्र ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। मंच पर महाप्रबंधक कार्मिक श्री G.R. दास भी उपस्थित थे। विशेष रूप से अधिकारियों सहित 32 कर्मचारी नवंबर 2022 के महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सत्रों में अंतिम निपटान देय राशि और वित्तीय सृजन सुरक्षा योजना, आसान अंतिम निपटान के लिए प्रक्रिया, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के एक नए चरण में सहज जीवन यापन के लिए मानसिकता, अच्छे स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, शरीर और दिमाग की भलाई और सक्रिय नियोजित जीवन से सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में सुचारू और तनाव मुक्त जीवन की सुविधा के लिए IT के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों को शामिल किया गया। सत्र विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लिया गया, जैसे महाप्रबंधक कार्मिक श्री G.R. दास, उप महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री R.R. सरंगी, उप महाप्रबंधक SP2 श्री V.S. सहोता, सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री V.P. आर्य, SEMO चिकित्सा डॉक्टर शिवलकर, सहायक प्रबंधक T.S. श्री H.K. साहू और सहायक प्रबंधक वित्त वन लेखा श्री D.K. दास। प्रारंभ में श्री G.R. दास ने सभा का स्वागत किया और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री राजीव मुखर्जी ने श्रम निरीक्षक श्री K. पंडा और कार्मिक कल्याण टीम के साथ कार्यशाला का संचालन किया। आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के उपलक्ष्य में सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों एवं प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है गोदावरी देवी। गोदावरी देवी का जन्म 1916 में उड़ीसा के अविभाजित कटक जिले के कल्याणपुर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। वे अपनी समकालीन रमा देवी और सल्ला देवी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थीं। उन्होंने बालेश्वर के पास इंचुड़ी में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने गांधी जी को उड़िया भाषा सिखाई। उन्हें 1942 में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए कैद किया गया था। 30 जून 1996 को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।